नहीं अकल है। देखे दोस्तों लड़ाई हो गई है, ये किसी को अंदर नहीं आने दे रहा, ये कह रहा है सिर्फ मैं नहाऊंगा। दोस्तों वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग, और आप देख रहे हैं मैं तोतों के पास बैठा हूँ। ये इतना शोर मचा रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, पता नहीं इन्हें किस चीज़ की खुशियाँ चढ़ी हुई हैं या मौसम आज अच्छा है। खाना वगैरह प्लेट भी फुल है ना, तो शायद ये पेट वगैरह पता नहीं अपना जो है ना किस चीज़ की खुशी आज मना रहे हैं। कोई भी दूसरा तोता बोलता है ना तो ये ब्लू वाला इतना शोर मचाता है, फिर ब्लू वाला ये वाला बहुत शोर मचाता है, देखना अभी। मुझे लगता है इन दोनों का भी पेयर लग गया यार, साथ साथ बैठ रहे हैं। चलो यार सबसे पहले यार इनका ये पानी वाला प्याला निकालो, ये दोनों निकालो, इनको बाहर साफ करो ना, चाबी लेके आओ, ये मुर्गी का करें, फिर उसके बाद जो है ना वो हमने आज जाना भी है मार्केट, कबूतरों को खाना शाना डालते हैं और फिर जाएंगे। यार सबके पानी के निकालो ना, तो इनका पानी साफ करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो करते हैं। ओ यार यार क्या खोलने थोड़ी थे यार, सिर्फ पानी वो करने थे यार, क्या कर रहा है? अभी मार्केट जाना है, इनको बंद कैसे करेंगे? तो खुले तो छोड़ के जा भी नहीं सकते, बिल्ली आएगी। ओ दे सारे ही निकल आए हैं। अब वो खाना खाए बगैर थोड़ी अंदर जाएंगे। चलो पहले पानी का करो ना, फिर उसके बाद करना इनका कुछ। मैं तो कह रहा हूँ कि आज जो है ना उसको बसंती को भी एक दफा, ओए बस कर दो यार, कितना शोर मचाओगे तुम लोग, क्या कर रहे हो, किस चीज की तुम्हें रेसे लगी हुई है तुम्हारी, क्या वजह है? बसंती को मैं कह रहा हूँ आज आप शाम तक घर ही हो ना, आज भी एक दिन और खोल के देख लेते हैं, क्या पता वापस आया आना शुरू हो जाए, एक दिन और खोल के देख लेते हैं, क्या कहते हो? रानी को भी खोलते हैं और बसंती को भी खोलते हैं। बसंती को भी मैं तो कह रहा हूँ खोलो, जाने दो, अगर जाती है ना आज एक दिन और देख लो। छोड़ दो रूहान, आप ना डालो, आप ना डालो, आप ना डालो, ये आ गई जी रानी आ गई, ये देखे। इसको बारी वो दरमियान वाले में डाल दे सारों को, वैसे फिलहाल दरमियान वाले में इसमें भी है ना। बड़े वाले तो जो है ना वो चस्के लगाते हैं उड़ उड़ के हल्का हल्का, बच्चों को फिर ज़्यादा शौक आ जाता है उड़ने का। आधा घंटा घंटा यान इनके पास बैठते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं हम के जो है ना इनको खाना डालेंगे, बंद करेंगे और फिर जो है ना हम चले जाएंगे। ये कौन सा कबूतर उड़ने गया है? ये बड़ी वाली फीमेल है ये। अच्छा इसको क्या शौक चढ़ा उड़ने का? बस ज़्यादा ऊपर ना ना जाए, पक्की हो गई है तो हो गई है, लेकिन ये ना हो ज़्यादा ऊपर जाना शुरू हो जाए ना तो फिर ये मसला करेगी। ये खुद ही उड़ रहे हैं, डराया तो नहीं ना। मौसम बहुत ज़बरदस्त होता जा रहा है, अब आगे आगे जो और थोड़ा धूप वाला मौसम आएगा ना फिर इनको, ये देखे सुबह सुबह सीधी इनके केजेस के अंदर, ये रुख भी ऐसा है, सीधी इनके केजेस के अंदर धूप जाया करेगी और काफ़ी देर रहा करेगी।
और फिर जब थोड़ा शाम हो जाएगी तो सूरज उस तरफ चला जाएगा और इन केजेस के अंदर फिर धूप आती है शाम को। ये देखें जी, ये खाना खा रहा है चुटकू। ये इनका तो नहाने वाला डे शुरू हो गया है, संडे है और इन्होंने कहा हम नहाई नहाई कर लें। ये देखें जरा, ये तो सारे नहाने घुस गए हैं, वो मट्टी खा रहे हैं, वो भी मट्टी खा रहे हैं, ये अंदर अंदर कुछ घुस गए हैं। क्या नाम रखा है फिंचेस का? दर्दी है फीमेल का नाम। अच्छा, मेल इनमें पता है कौन सा होता है? जिसके आगे पोटे पे लाइन है ना, जो भी ये देखे खड़ा हुआ है ये मेल है, और जो वो बैठी हुई है ना उसके आगे पोटे पे लाइन नहीं है तो वो फीमेल है। ये इनकी निशानी होती है फिंचेस की। देखे दोस्तों, लड़ाई हो गई है, ये किसी को अंदर नहीं आने दे रहा, ये कह रहा है सिर्फ मैं नहाऊंगा, किसी को नहीं नहाने के लिए आने दे रहा, सबको मार रहा है ये। डॉन को भी मार रहा है इसने। हाँ, ये भी जो है, ये डॉन, ये तो बच्चा, ये छोटा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, ये सबसे तेज निकल रहा है। ओ भाई, सबको भगा दिया उसने, वो कह रहा मेरे पास कोई ना हो, मैं अकेला नहाऊंगा। अभी फिर अंदर चला गया इसने, कहा वो नहा के नहाने लग गए, किसी को खुद उसका दिल भर गया है लेकिन फिर भी किसी को नहीं आने दे रहा। दोस्तों, सही केज में चल गया है, इधर जो है रानी के केज में सारे कबूतर घुसे हुए खा रहे हैं, कबूतरों के केज में जो है ना रानी घुसी हुई खा रही है, और ये हमारी बसंती, ये आज गई नहीं है, अभी तक तो इधर ही फेर रही है। हाँ, अभी पूरी ममटी वगैरह छत घूम के आई है लेकिन नीचे ही आ गई है, वापस गई नहीं है। तो इसको या तो जाने की इसकी आदत ख़त्म हो जाए, या जो है ये जाए तो वापस हमारे घर ही आया करे तो ठीक है, हमें पकड़ के जो लाना पड़ता है ये बड़ा मुश्किल काम है, वो फिर किसी दिन इसको ज़िबा करके खा जाएंगे। तोते भी यहाँ सारे करीब करीब आ रहे हैं, तो ये बल्कि फिंचेस भी देखो खाने के लिए हो रही हैं। एक काम करो ना, इधर आओ, ये फिंचेस की प्लेट निकाल के ना, वो वाली जी। वो इधर बाहर रखो थोड़ी देर, कबूतर इसको साफ कर दे और मुर्गी, फिर इनको नया खाना डाल दो, ठीक है? और पानी जो है ना एक मग्गा इसको इसमें डाल दो, ये साफ कर दिया ना हमने। फिंचेस की प्लेट बाहर रखो, और जो है ना आज तुम्हारा आखिरी दिन है छुट्टी का, कल से मैंने ही करना है सारा दोबारा। ये देखो आएंगे जी फटाफट खाने के लिए। एक छोटी सी प्लेट है, तुम इतने सारे कैसे खत्म करोगे? अभी तुम्हें खाना देने हमने, ये तो वैसे ही फिंचेस की प्लेट खाली करने के लिए दी है। टूट पड़े हैं, हालांकि इनके मतलब का इतना कोई खास कुछ है भी नहीं खाने का। अभी तक इनसे खत्म ही नहीं होने में आ रही है, इतनी ज्यादा कहाँ है प्लेट में यार, क्या कर रही है, बड़ी देर लगा दी है इन्होंने, हालांकि जरा सा तो उसके अंदर दाना पड़ा हुआ था। यान बंद कर इसको, इसने इतनी जोर से अभी कबूतर को मारा, पकड़ लिया था, बंद कर इसको, अंदर बंद कर, अंदर कर, ना बंद कर दे, अब नहीं आना। हाँ, फिर लीजिए ना, इसने फिर लिया था, और तोतों को लिए रखो। देखो दोस्तों, माशाल्लाह तोते आ गए हैं खाने के लिए, कुछ ये आ गए हैं, कुछ ये आ रहे हैं, और अयान ने सारे कबूतरों को जो है ना हिलाया हुआ है हाथ पे, इसके पास आके खाते हैं खाना, जब ये बैठ जाता है ना खाना लेके फिर सारे आते हैं इसके पास। अभी तो मट्टी खाने में लगे हुए यार, गंद मचा रहे हैं यार ये यान, इतना सारी मट्टी नीचे फेंक रहे हैं, पता नहीं क्या इनको मसला उसमें से। लो जी, यान के पास जा रहे हैं सारे खाने के लिए, यान के हाथ पे ये देखें जरा, ज़बरदस्त किस्म के इसने हिलाए हुए, ये देखें जी यान ने कैसे फिट करके हिलाए हुए, ये सारे यान के पास लाइन लगा के पहुँचे हुए।
देख रहे हैं आप लोग कैसे यान ने अपने यान के बिल्कुल पास जो है ना एक पिजन ये उड़ रहा है हमारा, ये क्या। हाँ ये देखो कैसे खा रहे हैं। दोनों नीचे हैं हम, क्यों नाश्ता करना है? क्या कह रही हो? अंडा पाटा बन गया। अच्छा इनको पहले नाश्ता खिला दें हम। हाँ बूतल बूतल को नाश्ता खिला दें। हाँ नहीं कल है। हाँ नहाने को नहीं कहती हो ना आप, नहीं कल है वो। और इनको नाश्ता करा दें पहले, खुद बाद में कर लेंगे ना, ठीक है। वो देखो अय्या अय्या कैसे खिला रहा है, अय्या कैसे खिला रहा है उनको हाथ में लेके। वाह इतना मज़े का खिला रहा है यार। डाल दो बस ऐसे फेंक के डाल दो वहाँ सारा। आप पूरा डाल दे जितना है सारा डाल दे, दो कप है ना इधर पूरे में, एक ही जगह डाल दिया बेटा। चलो बस ठीक है, वो जो उड़ रहा है वो भी उतर जाएगा। आ जाओ आप इधर आओ, इस मुर्गी को इस कटोरी में थोड़ा सा अंदर दे दो, इसने भी तो खाना है। वो एक बसंती तो चली गई है जी नीचे, बसंती नहीं रुकी। ये सारे खा पी के फिर अंदर चले जाएंगे, फिर हम देखेंगे ऊपर छत पे आके। तो ये अगर अंदर चले गए हुए फिर हम इन्हें बंद करके फिर चले जाएंगे हम मार्केट। तो देखते हैं जी, अभी ये पहले अपना पेट भर लें अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद यहाँ एक बाल्टी भरो, दोनों तीनों गमलों में पानी डालो ज़्यादा ज़्यादा, ताकि ये मिट्टी सारी बैठ जाए, ये मिट्टी में दोबारा ना घुसें। सारे पूरी छत पे मिट्टी मिट्टी करी हुई इन्होंने। क्या कह रही हो आप? मोटे हैं ये खा के मोटे हो जाएंगे। अच्छा चलो जी चलते हैं हम। दोस्तों हमारा तो मार्केट जाने का प्लान हो गया था कैंसिल, क्योंकि हमारे पिजन्स खुले हुए थे, लेकिन रोहान कब से ज़िद कर रहा था कि डक के बेबीज़ लेने हैं, तो अब उसको सिर्फ डक के बेबीज़ दिलाने लेके जा रहा हूँ। आज फटाफट वापस आ जाऊँगा, बाकी कोई और चीज़ लेने के लिए इंशाल्लाह कल जाएंगे। अभी डक के बेबीज़ लेते हैं, आपको मार्केट लेके चलते हैं दिखाते हैं। हम पहुँच चुके हैं बर्ड मार्केट, और आज तो बहुत ज़्यादा माल आया हुआ है, देखिए कितने सारे परिंदे आए हुए हैं जी। दोस्तों हम ले आए हैं ये डक्स के बच्चे, दिखाओ एक रखो मेरे हाथ पे, ये देखे चुन्ने चुन्ने से मुन्ने मुन्ने से। चलो तो अभी हमें घर जाते हुए तो देर लगेगी। आज का व्लॉग हम अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी रिएक्शन आपको कल इनका दिखाएंगे, इनको हम शिफ्ट कहाँ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज़ जी।